नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे फ्राटा फैन 2 ब्लेड 2880 आरपीएम 1 इंच स्टेटर साइज वाले पंखे का वाइंडिंग डायग्राम, वाइंडिंग डाटा एंड कनेक्शन कैपेसिटर। ठीक है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्लॉट्स बनाए हैं। ये डायग्राम है 24 स्लॉट्स का, और ये 24 स्लॉट्स की मोटर होती है 2 ब्लेड वाले में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रनिंग इंस्टॉल करना बताऊंगा डायग्राम के हिसाब से। तो इसमें 24 स्लॉट है, कहीं से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। पिच रहता है रनिंग का 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। ठीक है, टोटल 2 क्वाइल इसके अंदर होती हैं, रनिंग में 2 स्टार्टिंग में होती हैं। तो सबसे पहले रनिंग क्वाइल इंस्टॉल हम करते हैं। तो क्वाइल पहले हम 1 से 8 के अंदर डालते हैं। 1 से 8 बनाने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले किसी भी एक स्लॉट को पकड़ लीजिए, इसको 1 बना लीजिए। उसके बाद नीचे की तरफ चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर 8 बन जाता है, 6 बीच में छूट जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 से 8 बन जाता है। फिर जस्ट इसी तरह 1 से 10 बन जाएगा इसके ऊपर, ऐसे गिनेंगे तो। और इसके ऊपर फिर 1 से 12 बन जाएगा। तो ये पिच बन गई है। अब इस एक क्वाइल लंबी, एक लंबी क्वाइल है, उसको हम डालते हैं इसके अंदर, जो कि लगभग 31, 31.5 या 32 इंच तक की होती है। ठीक है, तो डाटा में मैं आपको बता दूंगा उसको। तो ये इसका इनर पॉइंट आपको लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है। और इस तरह से कॉइल आपको डालनी है, सबसे पहले 1 से 8 के अंदर, फिर 1 से 10 के अंदर, और फिर 1 से 12 के अंदर। और ये आउटर तार यहाँ पे निकल जाता है। तो इस तरह से एक क्वाइल जो है वो 1 से 8 में एक बार मोड़ के डाली जाती है, फिर 1 से 10 में मोड़ के डाली जाती है, 1 से 12 में मोड़ के डाली जाती है। तो इस तरह से उसका घुमाव बन जाता है। ठीक है, जो डालने का मोड़ के डालने का तरीका है वो वाइंडिंग वीडियो आप हमारी देख सकते हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद जस्ट इसको मोटर को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, और फिर वही पिच बनाते हैं सेम टू सेम। ठीक है, 1 से 12, 1 से 10, 1 से 8, और ये 6 बज जाते हैं बीच में। फिर उसी तरह से शुरू करते हैं कॉइल डालना। पहली कॉइल 1 से 8 में, दूसरी कॉइल 1 से 10 में, तीसरी कॉइल 1 से 12 के अंदर, और आउटर तार यहाँ पे निकल जाता है। अब आपको देखिए कनेक्शन इसके करने हैं। 2 क्वाइल थी रनिंग की, एक ये वाली एक वे वाली, आमने सामने। अब इसके जो, या तो आप इनर इनर आपस में जोड़ दीजिए, आउटर आउटर जोड़ दीजिए। तो ज़्यादातर आउटर आउटर ही के कनेक्शन देते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। इनर इनर जोड़ दीजिए, आमने सामने जुड़ना चाहिए। ठीक है, अब इसके 2 इनर इनर हमने बचा दिए हैं, या आउटर आउटर आप जोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गया रनिंग का कनेक्शन डायग्राम। ठीक है, ऐसे 1 से 3 में 1, 2, 3 और वाइंडिंग डायग्राम। अब स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल करते हैं। तो स्टार्टिंग कॉइल के भी सेम पिच होती है, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। तो हमने पहले ये डाला था, इसके बाद ऐसे इसको रखेंगे। अब हमको 6 भरे हुए स्लॉट छोड़ने हैं, ये वाले। ठीक है, और पिच बना लेनी है वही सेम, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, सॉरी 12। ठीक है, और इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है स्टार्टिंग में, और बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से 1 से 8 में एक बार कॉइल डलेगी, 1 से 10 में एक बार कॉइल डलेगी, और 1 से 12 में एक बार कॉइल डलेगी। तो एक ही कॉइल है जो कि 3 बार मोड़ के डाली गई है, और ये आउटर पॉइंट हमारा बच जाता है। उसके बाद जस्ट इसको उल्टा कर लेते हैं। जस्ट उल्टा करने के बाद
यहाँ पे देखिए, फिर से आपको वही बनाने हैं, ये भरे हुए छोड़ने हैं, ठीक है। और 1 से 8, 10, 1 से 12, ठीक है। इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ, वो 1 से 8 में कॉइल एक बार मोड़ के डलेगी, 1 से 10 में एक बार कॉइल मोड़ कर डलेगी, 1 से 12 के अंदर कॉइल एक बार मोड़ के डलेगी और यह आउटर तार निकल जाता है। तो अब इसके भी कनेक्शन देख लीजिए। पहले हमने जो रनिंग में आउटर आउटर जोड़े थे, ऐसे ही आमने सामने स्टार्टिंग के भी आउटर आउटर तार जोड़ देने हैं, ठीक है। इनर इनर बचा लेने हैं, तो ये आउटर आउटर जोड़ लेंगे और इनर इनर बचा देंगे, ठीक है। अब टोटल 4 तार बचे हैं जो कि आप बाहर निकाल सकते हैं, 3 बना के कॉमन करके निकाल सकते हैं बाहर। 2 रनिंग के बचे हैं इनर, और 2 इनर स्टार्टिंग के बचे हैं। तो अब डेटा इसका मैं बता देता हूँ, ये वाइंडिंग का डायग्राम था, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। अब मैं इसका डेटा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डेटा में देखिए दोस्तों, स्लोट है 24, आरपीएम है 2880 और यहाँ पे फ्राटा फैन है, टू ब्लेड वाला, इसका जो गेज है वो है रनिंग के अंदर है 30 नंबर, स्टार्टिंग के अंदर है 32 नंबर, फर्मा है कॉइल की लेंथ यानी कि रनिंग के अंदर है 31 इंच, स्टार्टिंग में है 30 इंच, और फर्मा जो है वो स्टेटर साइज के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी डेटा सेम लगता है, ठीक है। तो स्टेटर साइज के ऊपर डिपेंड करता है, इसका स्टेटर साइज जो है वो 1 इंच है, ठीक है, 1 इंच है, 1 इंच स्टेटर साइज है। तो यहाँ पे ये लगेगा फर्मा रनिंग में 31 इंच का और स्टार्टिंग में 30 इंच का। 1 इंच से कम है तो थोड़ा फर्मा कम कर सकते हो, 1 इंच से ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा इंच आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये फर्मा जो बनता है स्टेटर साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं दोस्तों टर्न्स की। रनिंग के जो अंदर टर्न्स हैं वो है 240, स्टार्टिंग के अंदर जो है 225 टर्न है। बात करते हैं पिच की। एक से 8, 1 से 10 और 1 से 12, ठीक है। 1 से 8 हो गया, 1 से 10 हो गया, 1 से 12 ये रनिंग का पिच है। ऐसे ही सेम टू सेम 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 ये स्टार्टिंग का पिच होगा सेम तरीके से, और सभी में सिंगल कॉइल डलेंगी सभी स्लॉट्स के अंदर। तो यहाँ पे स्टेटर साइज पिच राउंड जो है इसके सिंगल रहेंगे, एक बार सभी स्लॉट्स में एक एक बार डालेंगे, 1 से 8 में एक बार, 1 से 10 में एक बार, 1 से 12 में एक बार कॉइल मोड़ के डाली जाएगी। तो इसका डेटा हो गया, इसका कनेक्शन देख लीजिए। कनेक्शन सिंपल है, सेम ही रहते हैं, ये रनिंग का है, ये भी रनिंग का है, उसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग का है,
ये भी स्टार्टिंग का है। टोटल चार तार हैं, दो रनिंग के हैं, दो स्टार्टिंग के बचे थे। आपको एक काम करना है, एक रनिंग का लेना है, एक स्टार्टिंग का लेना है। इनको एक कॉमन बना लीजिए, कॉमन तार बना लीजिए, और यहाँ पे आपका कैपेसिटर है 3.15 का लगेगा इसमें, और कैपेसिटर के दो तारे होती हैं, एक रनिंग में दे दीजिए, एक स्टार्टिंग में दे दीजिए बचे हुए तार में। तो सारे तार हो गए। अब टोटल आपको दो तारों में करंट देना है, एक तो कॉमन में करंट देना है 220 वोल्ट का, एक आप रनिंग वाले में देना है जो कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है इस वाले में। तो दो पॉइंट आपके बन जाते हैं। कनेक्शन 1 से 3 में है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप किस मोटर पे आप चाहते हैं डायग्राम डेटा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए। फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ, अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।